इंतखाबी नताइज के बाद हुकूमत साजी का कठिन मरहला, हुक्मरानी का ताज किसके सर सजेगा, सियासी जोड़ तोड़ तेज, राब्ते और मुलाकातें शुरू, 24 घंटों में मुस्लिम लीग नून और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के दरमियान तीसरा राब्ता, नवाज शरीफ और आसिफ अली जरदारी में आज किसी भी वक्त मुलाकात मुतवक्के, हुकूमत साजी का फार्मूला जेर गौर आएगा, शहबाज शरीफ का मौलाना फजल रहमान से राब्ता, मुलाकात की दावत, जल्द बैठक का इम्कान। नून लीग से ऑफिशियल राबता नहीं हुआ, वजारत उज़्मा के लिए पीपल्स पार्टी का नामजद उम्मीदवार मैं हूं, बिलावल भुट्टो की गुफ्तगू, कहा देख रहे हैं आजाद उम्मीदवार क्या फैसला करते हैं, नतायज मुकम्मल होने के बाद सीसी मीटिंग बुलाकर फैसले लेंगे, विफाक बलोचिस्तान पंजाब में पीपी के बगैर हुकूमत नहीं बनेगी। नंबर गेम का चक्कर, नून लीग का आजाद उम्मीदवारों से राब्ते का फैसला, कमेटी बना दी, इसाकदार राना सनाउल्ला और अयाज सादिक शामिल, पार्टी में शमूलियत और ताबुन पर आमादा करेंगे। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ वफाक में, केपीके में, पंजाब में हम इंशाल्लाह ताला हुकूमत बनाएंगे। प्राइम मिनिस्टर इलेक्ट आपको अपने आप को समझते हुए ऐलान किया गया, जिसके पास 50 सीटों की भी मेजॉरिटी नहीं है कि हम हुकूमत बनाएंगे, ऐसी स्टेटमेंट प्रीमेच्योर की हम मुजम्मत करते हैं। नवाज शरीफ के पास 50 सीटें भी नहीं और खुद को वजीर आजम समझ रहे हैं, बैरिस्टर गौहर का तंज, 170 सीटों पर बढ़तरी का दावा, विफाक पंजाब और खैबर पख्तूनख्वा में हुकूमत बनाने का ऐलान, कहा खैबर पख्तूनख्वा और पंजाब के वजीर आला के उम्मीदवार का फैसला जल्द कर लेंगे, नतीज ना देने वाले रिटर्निंग अफसरान के खिलाफ कल एहतजाज करेंगे। ईवीएम में कागजी बैलेट थे जिन्हें हाथ से गिना जा सकता था, हर उम्मीदवार का रिजल्ट पोलिंग खत्म होने के 5 मिनट के अंदर दस्तयाब होता, अगर इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन होती तो मुल्क बहरान से बच जाता, सदर मुमलिकत डॉक्टर आरिफ अलवी का ट्वीट, इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीनों के लिए हमारी तवील जद्दोजहद को नाकाम किया गया, ऐसा उन्होंने कहा। इंतखाबात जीतने और हारने का मुकाबला नहीं, अवाम के मैंडेट का तायुन करने की मशक है, अवाम ने आईने पाकिस्तान पर मुश्तरक एतमाद जाहिर किया, अब सियासी जमातों पर फर्ज है वो सियासी पुख्तगी और इत्तेहाद के साथ इसका जवाब दें, गौर करें मुल्क कहाँ खड़ा है और बाकी अकवाम में हमारा सही मकाम कहाँ होना चाहिए। आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर के इंतखाबात के कामयाब इनेकाद पर कौम को मुबारकबाद, कहा पोलराइजेशन और इंतशार मुल्क के लिए मौजू नहीं, आगे बढ़ने के लिए मुस्तहकम हाथों और शिफा बख्श रबते की जरूरत है। मुल्क की तारीख में पहली बार आजाद उम्मीदवार कौमी असम्बली में सबसे आगे, 100 नशस्तों पर फतेयाब, 74 नशस्तें जीत कर नून लीग अक्सरियती जमात बन गई, पीपल्स पार्टी ने 53 सीटें समेट लीं, एमक्यूएम पाकिस्तान की 17 हलकों में जीत, काफ लीग ने 3, जेयूआई ने 3 और इस्तेहकाम पाकिस्तान पार्टी 2 हलकों में कामयाब, दीगर जमातों ने 3 नशस्तों पर कामयाबी हासिल की। कौमी असम्बली के हल्का एन 88 खुशाब का नतीजा रोक लिया गया, इलेक्शन कमीशन का 26 पोलिंग स्टेशंस पर 15 फरवरी को दोबारा वोटिंग का हुक्म, इलेक्शन कमीशन ने पीएस 18 गोटकी का नतीजा भी रोक लिया, 2 पोलिंग स्टेशंस पर दोबारा वोटिंग का हुक्म, खैबर पख्तूनख्वा असम्बली के हल्का पीके 90 का नतीजा भी रोक लिया गया। लाहौर हाई कोर्ट के हुक्म पर इलेक्शन कमीशन का एन 128 का नतीजा रोकने का फैसला, रिटर्निंग अफसर को अदालत का हतमी फैसला आने तक नोटिफिकेशन जारी ना करने की हिदायत, एन 148 मुल्तान से हारने वाले आज़ाद उम्मीदवार बैरिस्टर तैमूर के रिटर्निंग ऑफिसर को दोबारा गिनती की दरख्वास्त, मौकफ अपनाया, यूसुफ रजा गिलानी 293 वोट से कामयाब करार पाए, मुस्तरद वोटों की तादाद 12,665 है, रिकाउंटिंग की जाए, मौलाना असद महमूद की भी दोबारा गिनती की दरख्वास्त, मौकफ अपनाया, 826 वोटों से शिकस्त हुई, 5,057 वोट मुस्तरद हुए। परवेज इलाही और कैसरा इलाही की दरख्वास्त पर दोबारा फॉर्म 47 मुरतब करने की हिदायत, इलेक्शन कमीशन ने फरीकैन को नोटिस जारी कर दिया, दरख्वास्त गुजार के मुताबिक फॉर्म 45 के तहत हम जीते, फॉर्म 47 में हरवा दिया गया। एनए 47 और 48 का नतीजा, इस्लामाबाद हाईकोर्ट में चैलेंज, आजाद उम्मीदवार अली बुखारी और शुएब शाहीन ने दरख्वास्तें दायर कर दी, रेहाना डार का ख्वाजा आसिफ की कामयाबी के खिलाफ लाहौर हाईकोर्ट से रुजू, मियां महमूद रशीद ने भी हरीफ उम्मीदवार की जीत को चैलेंज कर दिया, राजा बिशारत की भी लाहौर हाईकोर्ट रावलपिंडी बेंच में दरख्वास्त।
पिशावर में 8 सीटों के नतीजे तब्दील किए गए, तमाम फॉर्म 45 मौजूद है। रिटर्निंग ऑफिसर ने जाती हैसियत में बताया कि हमारी मजबूरी थी, तैमूर झगड़ा का इल्जाम, अदालत जाने का ऐलान। डेप्यूटी कमिश्नर से फौरी इस्तीफे और चीफ सेक्रेटरी को मुअत्तल करने का मुतालबा। पिशावर हाईकोर्ट ने 8 आजाद उम्मीदवारों की दरख्वास्त पीर के रोज समाअत के लिए मुकर्रर कर दी। इंतखाबात में धांधली के इल्जामात, मुख्तलिफ इलाकों में एहतजाज, कई मकामात पर सड़कें बंद। फैसलाबाद में मुस्लिम लीग नून का मुजाहरा, क्वेटा में पश्तूनख्वा मैप का इलेक्शन कमीशन ऑफिस के बाहर धरना, गवादर में आर ओ ऑफिस के बाहर एहतजाज, तुरबत पसनी और माड़ा में शटर डाउन, सिब्बी में सिंध बलोचिस्तान शाहरा दूसरे दिन भी बंद, नसीराबाद में भी कौमी शाहरा पर 3 मकामात पर धरना। इंतखाबी नतायज के खिलाफ कराची का सियासी पारा हाई, जमात इस्लामी और तहरीक इंसाफ के कारकुन इलेक्शन कमीशन के बाहर जमा, तहरीक लब्बैक का नुमाइश चरंगी पर एहतजाज, नारेबाजी, पुलिस ने 5 अफराद को गिरफ्तार कर लिया। इंतखाबी नतायज में ताखीर और मुबैना धांधली, जमात इस्लामी का तहकीकात के लिए गैर जानिबदार कमीशन बनाने का मुतालबा। अमीर जमात इस्लामी सिराजुल हक बोले, इंतखाबात शफाफ नहीं हुए, शहर कायद में आवाम के हक पर डाका डाला गया, भरपूर मुजाहमत करेंगे। आम इंतखाबात का इनेकाद जमहूरियत के लिए नेक शगुन, सियासी जमातों को इंतखाबी मुहिम चलाने का पूरा मौका मिलना खुशाइंद, मुल्क में बेयकीनी का दौर खत्म होगा, सियासी जमातों की जिम्मेदारी है मुल्क में इस्तेहकाम को यकीनी बनाए, फाफिन की इब्तदाई जायजा रिपोर्ट जारी। इलेक्शन खुशगवार माहौल में हुए, लोग बड़ी तादाद में वोट डालने के लिए बाहर निकले, दौलत मुश्तरका के मुबसरीन के पुराम इंतखाबात पर पाकिस्तान को मुबारकबाद, इलेक्शन कमीशन की कारकर्दगी की तारीफ, सरबरा कॉमनवेल्थ वफ्द बोले, इंटरनेट की बंदिश से आवाम को मुश्किलात का सामना करना पड़ा, EMS सिस्टम बेहतरीन काविश थी। पाकिस्तान ने आम इंतखाबात पर बाज़ ममालिक और तंजीमों के बयानात हकायक के बरक्स करार देकर मुस्तरद कर दिए, तर्जुमान दफ्तर खारजा के मुताबिक बयानात वोट के आजादाना और पुरजोश इस्तेमाल के हक की नफी है, इंतखाबी अमल की पेचीदगियों को मद्देनजर नहीं रखा गया, मुल्क भर में इंटरनेट की बंदिश नहीं थी, पोलिंग के दिन दहशतगर्दी से बचने के लिए सिर्फ मोबाइल फोन सर्विस मुअत्तल की गई। असास इदारे के दफ्तर पर हमले के इल्जाम में शेख रशीद की रिहाई, इंसदाद दहशतगर्दी अदालत ने आज ही जमानत मंजूर की थी, कहा मेरा तीसरा चिल्ला है, जेल में था कुछ पता नहीं, मुल्क में क्या हो रहा है। 9 मई के 12 मुकदमात, बानी PTI और शाह महमूद कुरैशी की जमानत मंजूर। डेरा इस्माइल खान में पुलिस मोबाइल पर दहशतगर्दों का हमला, SHO शहीद, जवाबी कार्रवाई में 3 दहशतगर्द मारे गए। इंतखाबी नतायज के बाद हुकूमत साजी का कठिन मरला, हुक्मरानी का ताज किसके सर सजेगा, सियासी जोड़ तोड़ तेज, राब्ते और मुलाकातें शुरू, 24 घंटों में मुस्लिम लीग नून और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के दरमियान तीसरा राब्ता, नवाज शरीफ और आसिफ अली जरदारी में आज किसी भी वक्त मुलाकात मुतवक्के, हुकूमत साजी का फार्मूला जेर गौर आएगा, शहबाज शरीफ का मौलाना फजलुर रहमान से राब्ता, मुलाकात की दावत, जल्द बैठक का इम्कान। नून लीग से ऑफिशियल राबता नहीं हुआ, वजारत उज़्मा के लिए पीपल्स पार्टी का नामजद उम्मीदवार मैं हूं, बिलावल भुट्टो की गुफ्तगू, कहा देख रहे हैं आजाद उम्मीदवार क्या फैसला करते हैं, नतायज मुकम्मल होने के बाद CEC मीटिंग बुलाकर फैसले लेंगे, विफाक बलोचिस्तान पंजाब में PP के बगैर हुकूमत नहीं बनेगी। नंबर गेम का चक्कर, नून लीग का आजाद उम्मीदवारों से राबते का फैसला, कमेटी बना दी, इसाकदार राना सनाउल्ला और आयाज सादिक शामिल, पार्टी में शमूलियत और ताबुन पर आमादा करेंगे। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ वफाक में, KPK में, पंजाब में हम इंशाल्लाह ताला हुकूमत बनाएंगे। प्राइम मिनिस्टर इलेक्ट आपको अपने आप को समझते हुए ऐलान किया गया, जिसके पास 50 सीटों की भी मेजॉरिटी नहीं है कि हम हुकूमत बनाएंगे, ऐसी स्टेटमेंट प्रीमेच्योर की हम मुजम्मत करते हैं। नवाज शरीफ के पास 50 सीटें भी नहीं और खुद को वजीर आजम समझ रहे हैं, बैरिस्टर गौहर का तंज, 170 सीटों पर बढ़तरी का दावा,
वफाक पंजाब और खैबर पख्तूनख्वा में हुकूमत बनाने का ऐलान। कहा खैबर पख्तूनख्वा और पंजाब के वजीर आला के उम्मीदवार का फैसला जल्द कर लेंगे। नतीजे ना देने वाले रिटर्निंग अफसरान के खिलाफ कल एहतजाज करेंगे। और एहसामुलहक पाकिस्तान टेनिस फेडरेशन के सदर मुंतखब। पीटीएफ के इंतखाबात में टेनिस स्टार को 8 वोट मिले। 9 मुंतखब सदर मुल्क में टेनिस के फरोग के लिए पुराज़म।